हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। भाई आज है दिन मंगलवार 2 जुलाई और अभी टाइम हो गया है 12:45। सुबह का सब काम हो गया है और चाय भी हो गई है दोपहर वाली। अभी वीडियो स्टार्ट करने का टाइम मिला है। सिनोए सो के उठ चुका है, देखो 11:30 उठा था ये, अभी उठ के इसने दूध नहीं पिया है, दूध यूँ का यूँ रखा है, शरारत कर रहा है ये। देखो इससे बात करो, चलो बात कर सुनो, ये बात करेगा, ये देखो बाय बाय कर रहा है। बोलो कुछ बोलो, हैं बोलो, राम राम बोलो। अच्छा ये क्या बोलना है, ये मांग रहा है भाई फोन मेरे को दे दे। पहले राम राम कर दो, फिर पहले राम राम करो, फिर फोन मिलेगा। राम राम करो, नहीं करेगा फोन तो मैं अभी इसको देती नहीं हूँ हाथ में, लेकिन वीडियो देख के अभी मांग रहा है ये। वीडियो कॉल आ जाती है कई बार इसके चाचू की, तो उससे बात करता है, तो अभी इसको यही लग रहा होगा कि ये वीडियो कॉल है। है आ जा, आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया, आ गया भाई दादी। राम राम करो, चलो अब कर, अब तो कर दे राम राम, आज नाराज हो गया भैया, राम राम नहीं। चलो ठीक है, तो भाई देखो अभी शाम तक क्या बनाऊंगी, क्या वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगी, जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, ठीक है। चलो फिर देखो आगे की वीडियो, एंजॉय करो। शिनोए की शरारतें देखो, देख लो कितनी शरारत करता है। डिंग 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 डिंग, अभी टाइम हो गया है 12 या 12:15 के करीब, तो अभी कुछ काम कर लेते हैं। शिनोए के साथ खेलना बहुत हो गया है, ये बर्तन हेल्पर धो के चली गई है। सबसे पहले बोतल भर देते हैं आरओ से, जो बोतल खाली हो जाती है उनको साथ साथ धुलवा लेती हूँ। ये तो है नहीं कि जो फ्रिज में रखी है उनको खाली करके और फिर धोना होता है, लेकिन जो खाली होती है उनको धुलवा लेती हूँ मैं, उनको भर के और फ्रिज में रख दूँगी। अभी आरओ मेरा लगा हुआ है साफ्ट में, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो में, तो देखा ही होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख लिया करें एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि वहाँ पर सब वीडियो के लिंक होते हैं। तो ये बॉटल्स मैंने रख दी हैं फ्रिज में। सॉरी, तो अभी हेल्पर से बर्तन धो के गई है, ये सब लगा देते हैं। मग, आप लोग सोचेंगे कि मग कितने ज़्यादा हैं इनके पास, तो सारे बच्चे मग में ही दूध पीते हैं, मग में ही लस्सी पीते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये जो लंबे वाले गिलास हैं ये हैं मेरी शादी के टाइम के, 5-6 गिलास हैं ये, और लोटे भी कई हैं। लोटे और ये लंबे गिलास रहे हैं, ये रैक में रखती हूँ, और ये चम्मच, गिलास, कटोरी, छोटे वाले गिलास, ये सब ड्रॉर्स में आ जाते हैं। तो आज आप लोग देख लीजिए कि मैं बर्तन वगैरह अपने कैसे लगा के रखती हूँ। मेरे पास कई बार कमेंट आए हैं इस बारे में कि आप अपने किचन की ड्रॉर्स दिखा दो, किस तरह से सेट करके रखते हो, लेकिन काफ़ी दिन पहले आए थे ये कमेंट, तो मैंने लेट कर दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से रखती हूँ मैं, इस वाले ड्रॉर्स में सारे बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, और उसके नीचे वाली में इसमें भी बड़े ही बर्तन हैं। टिफ़िन और ये कढ़ाई, ये इसमें रखती हूँ मैं, और ये इनका टोस्टर है बच्चों का, और ये देखिए खाली हो गया है अब ये खाना, जो टोकरी की जगह यूज़ करती हूँ मैं, और ट्रे इसमें रखती हूँ, सारी ट्रे एक दूसरे के ऊपर रख के सबसे नीचे बड़ी, उससे छोटी करके रख लेती हूँ। और ये प्लेट जो इकट्ठी इकट्ठी रखी है इनको भी अच्छे से सेट कर लूँगी आगे पीछे करके, बड़ी वाली पीछे और छोटी वाली आगे, ऐसे करके।
इस तरह से बर्तन सारे लग गए हैं। तो बर्तन लगाने के बाद मैंने रोटियां बना ली हैं और सब्जी आज सुबह पूजा बना के गई थी पेठे की खट्टी मीठी और रात की घिया की सब्जी बची हुई थी, इसमें मैंने लगा लिया हींग और अजवाइन का तड़का, ये खाऊंगी मैं। और ये क्योंकि इतनी ही बची हुई है टिफिन के बाद, तो अभिषेक और अभिषेक के पापा खाएंगे। और ये चीनी और नमक वाले प्याज रेडी हो गए हैं और ये मेरी सब्जी हो गई है गर्म। और इधर अभिषेक ने लस्सी डाल दी है, ये लस्सी बना दी थी मैंने मसाला डाल के। तो अभी लंच कर लेते हैं। गर्मी ज़बरदस्त हो रखी है, देखो पसीना कितना आ गया ना, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं आप लोगों को। अभिषेक प्लेट उतार बड़ी बड़ी दो। ये हो गया है रेडी लंच हमारा, लस्सी और चीनी नमक और वाले प्याज और ये सब्जी और इसमें रोटी। और आज नींबू नहीं है तो खाली मसाला डाला है। ये चीनी और नमक में भिगोने के बाद सिरके वाले प्याज जैसा टेस्ट आता है, बिल्कुल भी तीखे नहीं रहते हैं ये। चलो अभी अंदर ले चलो अभिषेक, एक मैं उठाऊंगी, दो तो उठा ले, एक ही उठाएगा भाई, एक बार में तो एक ही उठाया जाएगा, मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है ना। और मैंने बनानी वीडियो तो मैं वैसे ही एक उठाऊंगी, इसको मैं लेके चलती हूँ। शिनोए कहाँ है, शिनोए कहाँ घूम रहा है गर्मी में दोपहर में, लंच नहीं करना है, कैसे मुंह चला रहा है, क्या खा रहा है। हेलो हाय राम राम, कुछ नहीं करता, बाहर घूमना है दोपहर में भी। देखो इसको, देखो देखो ऐसे कह रहे हैं अपने दादा की थाली को बिखार। लंच कर लिया है उसने, अभिषेक ने लगा लिए हैं हेडफोन, ये अपना कोई वीडियो वगैरह देख रहा है। और देखो सुनोए की साइकिल काटूंगी, उधर रख दिए ऊपर स्टोर में। अभी टाइम हो गया है 2 बज गए हैं करेक्ट, इसमें उल्टा टाइम दिख रहा होगा। और ये मशीन है ना, कई दिन से चल नहीं रही ठीक से, धागे वागे तोड़ रही है, तो इसको मैंने खोल लिया है। ये देखो इसका सेटल खोल लिया है, इसकी सफाई वफाई करके तेल डाल के और छोड़ूंगी, फिर देखूंगी शाम को, अगर चली तो ठीक है और नहीं चली तो फिर जाएगी ये मिस्त्री का। और आप टाइम देख लो, इसकी सफाई करके तेल डाल के और फिर सोऊंगी 1-1.5 घंटा, क्योंकि अभी तो सिनोई भी खेल रहा है, जब तक सिनोई नहीं सोएगा तब तक तो हम भी नहीं लेट सकते। सिनोई अपने दादा के साथ उधर खेल रहा है, मैं इस मशीन को कर देती हूँ। कितना खुश हो गया, देखो देखो मिठाई ले लो, मैं ले आऊँगी, चल लेट आओगे, चलो ना लेट आएंगे हम। और अभी हो गया है शाम का टाइम 8:30 के करीब, और दिन में मैं कोई सो नहीं पाई आज, मैं बोल रही थी कि सोऊंगी 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन 1 मिनट भी नहीं सो पाई। एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आ गया और काफ़ी देर तक बातें करती रही, वो बस ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला कब शाम हो गई। और अभी इस टाइम हम पहुँच गए हैं इधर मेरी बहन के घर, परले घर, वहाँ बैठे थे ऐसे ही गपशप लगा रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ऐसे ही घरेलू कुछ कुछ बातें कर रहे थे सारे आपस में हंसी मजाक, तो इसको मैंने म्यूट कर दिया, उस सिनोए के साथ खेल रहे थे। तो ये लो गुलाब जामुन खा लो आप लोग, हम खा रहे हैं तो आप क्यों पीछे रह जाएं। चलिए भैया बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा।